तो हेलो एवरीवन, और आज मैं आप लोगों के लिए एक और न्यू रेसिपी लेके आई हूँ। वो है लौकी के कोफ्ते। और दो तीन तरह के कोफ्ते मुझे बनाने आते हैं, जिसमें से लौकी के दो तरीके से बनते हैं, लेकिन मैं जिस तरीके से बनाने जा रही हूँ वो मैं दिखाऊंगी, और एक और तरीका है फिर वो मैं नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगी। और मेरे पास जो लौकी है वो हमारी फैमिली के अकॉर्डिंग ज़्यादा है, तो मैं उसको दो भाग में डिवाइड करूंगी। एक का मैं बनाऊंगी रायता और एक का बनाऊंगी मैं कोफ्ता। तो आपको यहाँ पे थंबनेल देख के पता ही चल जाएगा कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट करे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो लेट गेट स्टार्टेड द वीडियो। तो गाइस, ये है लौकी, और लाइट की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। और ये है लौकी। और एक चीज़ और बता दूँ कि जो लौकी का जूस होता है ना, वो आपके फैट को कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। और मैं इतना पिया तो नहीं है मैंने, लेकिन मुझे बहुत लोगों ने बताया है। जिन्होंने पिया है उनको मैंने खुद देखा है, उनके ऊपर रिजल्ट। और मेरी कॉलोनी में जो आंटी रहती है, उनकी किसी रिलेटिव ने पिया था, तो उन्होंने मुझे बताया था जब मैं काफ़ी ज़्यादा मोटी हो गई थी। तो मैंने ना आफ्टर डिलीवरी हर लेडीज़ मोटी हो जाती, फिर मैंने अपने पर ध्यान दिया था। तो मैं इस समय तो काफ़ी फिट हूँ, 54 kg। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि कम से कम 55 kg रहो। और मैं फ़ोन में बहुत हेल्दी लगती, बट हूँ नहीं, स्लिम ट्रिम हूँ। तो ये आपको बहुत फ़ायदा करती है। बच्चों को इसकी सब्जी दे, दाल बना के दे, इसकी हर चीज़ अच्छी है। इसका हलवा भी अच्छा है, इसकी खीर भी। तो अभी तो मैं बनाऊंगी सिर्फ लौकी का कोफ्ता और रायता, क्योंकि हम दो हस्बैंड वाइफ है, बच्चे इतना खाते नहीं हैं खाना, तो हमारे लिए इनफ है इतना। तो मैं जा रही हूँ इसको बनाने, और फिर आगे मैं छील के घिस के तब मैं दिखाऊंगी, क्योंकि इस तरीके से कैमरा रखने से जो मेरी इन्वर्टर लाइट है ना, वो बहुत प्रॉब्लम कर रही है। तो मैं अपने बैक कैमरे से दिखाऊंगी। तब तक के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। लौकी को कट करेंगे, इसको छीलेंगे, फिर इसको घिसेंगे बस के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर मैं लौकी को दो पार्ट में डिवाइड करूँगी, और क्योंकि पूरी समूची लौकी ना छीलते बनेगी ना घिसते बनेगी, इसलिए मैंने इसको कट करके तब छीला था। छील के मैं इसे ग्रेट कर रही हूँ। आप भी इसी तरीके से मतलब ग्रेट करिए, अच्छे से कद्दूकस करिए। और मैंने पूरी लौकी कद्दूकस कर ली थी, फिर इसको मैंने अच्छे से धो लिया था परात में ही। और धोने के बाद मैंने इसको अच्छे से दोनों हाथ से निचोड़ के दूसरे बर्तन में शिफ्ट किया था बॉईल होने के लिए। तो ये देखिए मैंने रख दिया है बॉईल होने के लिए, और मैंने चढ़ा दिया था। फिर मुझे याद आया कि मैंने थोड़ी सी कच्ची लौकी तो निकाली नहीं, मुझे रायता बनाना है। फिर मैंने इसको जल्दी से निकाला और निकाल के छानने को रख दिया दूसरी डलिया में। तो इसको मैंने उबालने को रख दिया था। और ये मैं कोफ्ते के लिए कर रही हूँ। कोफ्ते को आप उबाल के लौकी तब बनाइए, बहुत अच्छा बनता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद मैंने इसको परात में छान लिया था, और जब इसका पूरा पानी छन गया था तो गरम गरम था, तो इसलिए मैंने इसको छुआ भी नहीं। और मैंने सोचा कि जब तक पूरा पानी छनेगा तब तक थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने इसको निकाल लिया था हाथ से। ये देखिए थोड़ी लौकी अलग कर ली थी। फिर ये था अदरक लहसुन प्याज और हरा मिर्च, मैंने ज़्यादा डाला था क्योंकि मैं पिसा मिर्च मैंने बताया हम लोग नहीं ज़्यादा खाते हैं, तो पीस के डालते हैं। ये अदरक और ये महीन महीन मैंने बारीक हरी मिर्च काटी थी इसको कोफ्ते के अंदर डालने के लिए, मतलब उसमें जो बैटर बनाऊंगी मैं पकौड़े तलने के लिए उसमें डालना था। और आप चाहे तो इसके अंदर जीरा वगैरह प्याज वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता इसलिए मैंने नहीं डाला। तो ये मैंने अच्छे से निचोड़ लिया था, कस के पूरा पानी निकाल लिया था। फिर मैंने इसमें अदरक और हरी मिर्च डाल दी थी और अच्छे से इसको मिक्स किया। और इसमें मैंने ऐड किया बेसन, और पहले थोड़ा ही बेसन डालिएगा क्योंकि ज़्यादा डाल देंगे तो फिर बेसन ही बेसन रहता है और हार्ड हो जाती है पकौड़ी। तो यहाँ पे मैं सारे सामान मिला रही थी, नमक और मिर्च वगैरह, और इसको मिला के मैं थोड़ी देर के लिए इसको फ्रिज में रख दी थी। और मुझे बनाना था इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रीजर में रख दिया था। और याद रहे कि उबाली हुई जो होती है वो पानी बहुत छोड़ती है लौकी। तो यहाँ पे मैंने नमक और धनिया हल्दी पिसा मिर्च ये
चारों चीज़ें डाली थी। फिर उसके बाद मैंने डाला था इसमें गरम मसाला और मीट मसाला। जो मीट मसाला होता है वो इस सब्ज़ी को बहुत ही टेस्टी बना देता है। तो यहाँ पे मैंने मसाला ऐड करा और फिर उसके बाद इसमें मैंने ऐड किया गरम मसाला और मीट मसाला। तो मीट मसाला मैंने ज़्यादा यूज़ किया था, 1.5 पैकेट, क्योंकि यहाँ पे 1 पैकेट में थोड़ा कम था, क्योंकि कल भी मैंने सब्जी में डाला था। तो यहाँ मैंने दोनों पैकेट में, एक में पूरा भरा था, उसको नया खोला था, और एक कल यूज़ किया हुआ था। तो 1.5 पैकेट आप मान के चलिए मैंने डाला था। तो इसका जो टेस्ट होता है वो ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैं इसको फूलने के लिए रख देती हूँ, और इसी में मैं टमाटर कट करके डाल देती हूँ, क्योंकि टमाटर भी इसके साथ डाल के जब मैं वो भूंजूंगी तो उसके साथ सॉफ्ट हो जाएंगे, फूट जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ मैं पानी से इसको भिगो के रख रही थी। अगर आप ग्रेवीदार इस तरीके की कोई भी चीज़ बनाते हैं, सब्जी नॉन वेज है या वेज है, तो आप मसाला फुलो के ज़रूर डालें, उससे टेस्ट अच्छा आता है। यहाँ पे मैं टमाटर कट करने जा रही थी। अगर आपके पास एक बड़ा टमाटर है तो एक काटिएगा, अगर छोटे हैं तो दो काटिएगा। तो यहाँ पे मैं काट रही थी और अपने हस्बैंड से बात भी कर रही थी, और ये मेरा वीडियो शूट कर रहे थे। मैंने इनसे बोला था कि ये पूर्वी नहीं है, तुम शूट कर दो। तो पूर्वी ट्यूशन वगैरह चली जाती है तो शाम को मुझे प्रॉब्लम होती है, तो मैंने इनसे बोला कि तुम शूट कर दो, तो इन्होंने शूट कर दिया था। और मैंने इसको इसके साथ ही मिक्स करके रख दिया था, तो ये सॉफ्ट भी हो जाते हैं टमाटर नमक की वजह से, तो जल्दी गलने में हेल्प हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने इसको रख दिया और चढ़ाई मैंने कढ़ाई, और कढ़ाई चढ़ाने में के बाद मैंने जैसे ही थोड़े कढ़ाई गर्म हुई, इसमें पता नहीं क्या ये लग गया था बेसन, तो इसमें तेल मैंने ऐड किया। और हम लोग, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हम लोग सिर्फ सरसों का तेल ही खाते हैं, रिफाइंड नहीं खाते, खाते थे लेकिन 1.5-2 साल हो रहा है हम लोगों को छोड़े हुए। कभी कभार जैसे कोई चीज़ बनना हो गया तो आ जाता है मोहन बनाने के लिए, अन्यथा हम लोग नहीं खाते हैं, क्योंकि डॉक्टर मना करते हैं कि उसको मत खाया करिए, बॉडी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, पेन भी होता है। ये देखिए मैंने फ्रीज़र में रख दिया था 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से हार्ड हो जाए बेसन, और बर्फ़ जमने लगी थी। तो यहाँ पे मैंने दिखा रही थी कि देखो यार, यहाँ पे बर्फ़ जम गई है, तो ये अच्छे से पूरा हार्ड हो चुका था। तो मुझे जो गोले बनाने थे, ये देखिए बेसन तो हार्ड हो गया था, तो गोले मुझे बनाने थे, तो मैं बना रही थी हाथ से। और फिर मुझे ना प्रॉब्लम हुई, एक मैंने बना कर दिखा दिया था, उसके बाद मैंने ऑफ़ कैमरे ही बनाया, क्योंकि एक मतलब हाथ से कैमरा बैक करना और एक से तलना नहीं हो पा रहा था, तो मैंने ऑफ़ कैमरा ही सब बना डाला था। ये देखिए, तो जब तक दोनों हाथ ना लगे ऐसा हो ही नहीं सकता, यूज़ कोई काम हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड लौकी लेके आए थे, तो बोले थे कुछ बना देना, तो आज भी ये लेके आए हैं, जो खाते भी नहीं हैं ये ज़्यादा लेके आए हैं, बोले हैं कल बनाना। मैंने सब तैयारी कर दी, कल बनाऊँगी। और ये थे कुछ खड़े गरम मसाले, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, लौंग, जीरा, तेज़पत्ता, सभी को सब कुछ पता ही है, काली मिर्च की, यही सब होता है। ये मैंने इसमें कड़वा तेल में दिया और तड़का लगाने के लिए। फिर मैंने जैसे ही इसका एक तड़का हो गया, तो मैंने जो थोड़ा सा बैटर पहले का रखा था लहसुन और अदरक का, बाकी ये मैंने प्याज के साथ पीसा था, तो इस सभी को मैंने इसके साथ डाल दिया था। कड़वा तेल मैंने एकदम अच्छे से खौला लिया था, क्योंकि वो झर रहा था बहुत, है स्मेल बहुत आती है कच्चे की, तो मैंने झरा दिया था। तो यहाँ पर मैंने डाला पूरा पिसा हुआ पेस्ट, अदरक लहसुन प्याज हरी मिर्च का, फिर उसके बाद उसको भूंजा। जब अच्छे से ये भून गया था, तो उसके बाद मैं ऐड कर रही थी जो मैंने मसाले तैयार किए थे, हल्दी मिर्च, धनिया, नमक वगैरह, जो बेसिक सभी के घरों में होता है, सभी लोग खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसमें ऐड करा था ये मसाले, और प्याज वगैरह अच्छे से भूंजिए, कच्ची रह जाती है तो कच्ची कच्ची स्मेल आती है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको रेड कर लेती हूँ, थोड़ा गोल्डन ब्राउन, तब मैं मसाले ऐड करती हूँ। इसमें मैंने मसाले ऐड किए, अभी आप मसाले का कलर देखिएगा कैसा है, और उसके बाद देखिएगा कि कैसा है। ये देखिए अभी कैसा है ये कलर। और फिर शाम को जल्दी खाना बना लिया था मैंने, और यहाँ पे देखिए ऑयल वगैरह आ गया था। तो अभी सावन की वजह से जो मैं पार्क में न्यू स्थापना हुई है मंदिर में, तो हम लोग वहाँ रोज़ शाम को आरती, सुबह वगैरह पूजा और भजन वगैरह होते हैं, तो वहाँ भी चली जाती हूँ मैं, थोड़ा मन अच्छा हो जाता है,
थोड़ा सा भगवान को भी समय देना चाहिए और बच्चों पे भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो बहुत रौनक सी हो गई है हमारे पार्क में और कॉलोनी में, बहुत अच्छा है। तो ये मैंने जो बनाए थे पकौड़े, इसको थोड़ी देर पानी में सोख होने के लिए रख दिया था ताकि पकौड़े जो हों वो सॉफ्ट हो रहे हैं। अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो ऐसे ही करिएगा तो वो सॉफ्ट बने रहते हैं। और ये तो मैंने एक ही तरीके का कोफ्ता बनाया है, अभी मैं आपको और भी तरीके के कोफ्ते बनाना सिखाऊंगी और कई प्रकार के कोफ्ते बनते हैं। यहाँ पे आप पानी अपनी ग्रेवी के अकॉर्डिंग ही रखिएगा, जैसे आप लोग खाते हो। हम लोग थोड़ा थिक खाते हैं तो ये पकने के बाद और थिक हो गया था। मतलब मैं क्या, मेरा हस्बैंड एकदम पानी जैसी सब्जी या दाल नहीं खाते हैं, थोड़ा सा थिक होनी ही चाहिए। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा पानी ऐड किया था और अनफॉर्चुनेटली आज पूर्वी की फ्रेंड्स आई थी तो उन्होंने भी खाया, बस बोल रहे थे थोड़ी सी सब्जी तीखी हो गई है पूर्वी। तो मैंने रायता भी बनाया था तो उसके साथ चल गया था, और हालांकि वाकई में तीखी हो गई थी हल्की सी, लेकिन हम लोग तीखा खाते हैं तो हमारे यहाँ चल गया था। और मेरी सब्जी रेडी है, बिल्कुल बन के तैयार है। बस आज शाम को मेरे घर में कुछ लोग आए हुए थे और भतीजा भी था इनका, इसलिए मैंने खाने का वीडियो नहीं दिखाया है। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। डोंट फॉरगेट द बेल बटन एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइस, प्लीज़ 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 सपोर्टिंग मी। और इसीलिए मैंने किसी का खाते हुए वीडियो नहीं बनाया क्योंकि और बच्चे भी थे घर में, पूर्वी की फ्रेंड्स थी, तो अच्छा नहीं लगता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।